तो दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इज इक्वल टू सेट एक्स एक्स रेशियो एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसको कैसे लिखेंगे आपको बताता हूँ मैं, इसका हमें ऐसे बनाएंगे, देखिए ए इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है हमें, ए इज इक्वल टू -3 से छोटे कौन से हैं, देखिए नंबर लाइन ऊपर मैं आपको नंबर लाइन समझा देता हूँ पहले, ये 0 है, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6। तो -3 से बड़े कौन है, -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म, इसकी ऊपर वाले की हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई, 3 से बड़े, -3 से बड़े और 7 से छोटे। बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलना है, नेचुरल नंबर कौन से होता है आप बता सकते हैं मेरे को, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे 7, 8, 9, 10, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन लिखा है 6 से कम, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, तो आप समझ रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गई। अब सी पे चलते हैं, एक्स एक्स रेशियो एक्स इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, अब आपको ऐसे 2-डिजिट नंबर बताने हैं, 2-डिजिट नंबर, जैसे 10, आपको पता है 2-डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और ये 99 तक रहता है 2-डिजिट नंबर, आपको ऐसे 2-डिजिट नंबर बताने हैं जिनका सम 8 आए, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आपको मैं बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ, 2-डिजिट नंबर वो नंबर बताने हैं जिनका सम 8 आए, कैसे होंगे देखिए, पहला हमारा है 17, मैं बताऊंगा कि क्या है 17 मैंने क्यों लिखा, फिर आएगा हमारा 26, फिर आएगा हमारा 35, फिर आएगा 44, फिर आएगा 53, फिर आएगा 62, फिर आएगा 71, फिर आएगा हमारा लास्ट में 80, इसके आगे हमारे कोई भी 2-डिजिट नंबर नहीं है जिनका सम 8 आए। अब आपको बता दो इस क्वेश्चन में 17, 26 ये सब मैंने क्यों लिखे, आपको ऐसे बताने नंबर जो 2-डिजिट नंबर है, 2-डिजिट नंबर 17 ठीक है, और इनका सम क्या 8 आए, 1 + 7 कितना होता है 8, 2 + 6 कितना होता है 8, 3 + 5 कितना होता है 8, 4 + 4 कितना होता है 8, 5 + 3 कितना होता है 8, 6 + 2 कितना होता है 8, 7 + 1 कितना होता है 8, और 8 + 0 कितना होता है 8, ऐसे 2-डिजिट नंबर बता दिए जिनका सम 8 आए, पता चल गया आपको, आप समझ आ गया होगा आपको 17, 26 क्यों आया है। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, डी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, आपको ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो डिवाइड हो 60 से डिवाइड होने वाले ऐसे प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और या तो 2 की टेबल में आते हैं, यही होता है प्राइम नंबर, वो होते हैं जैसे 2 आता है 1 की टेबल में, या तो वो अपनी टेबल में आते हैं या तो 1 की टेबल में आते हैं, सॉरी मैंने गलती से 2 बोल दिया, 2 की टेबल में आते हैं, सॉरी 1 की टेबल में आते हैं, जो जैसे आपको बता दूं जो 60 से डिवाइड होने वाले हमारे 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से, 2 की टेबल में 60 आता है, 3 की टेबल में 60 आता है, 5, इन तीनों के अलावा आपको किसी में भी 60 नहीं मिलेगा, 60 के खुद की टेबल मिलेगा या तो इन तीनों की टेबल मिलेगा, और 60 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो बहुत लोग बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आता है, अगर वो खुद की टेबल में आता तो वो प्राइम नंबर कहलाता। तो दोस्तों ये आपके प्राइम नंबर है 2, 3, 5, अब नीचे चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन है, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसका हमें पहले आपको रोस्टर फॉर्म बदलना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको आपको रोस्टर फॉर्म बदलना है। कैसे बदलेंगे? टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, टी जो भी ये बना है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि हमें इस, आपको बता दूं, सेट में कभी भी आप एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करते। टी एक बार लिख दिया तो बाद में टी नहीं लिखेंगे, और हमें ओ एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आर को एक बार लिख दिया आर को तो आपको बाद में आर को रिपीट नहीं करना है। तो यही है आपका, आपके रोस्टर फॉर्म आ गया। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है अब हमें। इसकी रोस्टर फॉर्म देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर, बैटर फर्ड के आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी? बी ई टी आर, ये आपकी रोस्टर फॉर्म, क्योंकि देखो बी एक बार है, ई एक बार है, ई दो बार था तो हमने एक बार लिख दिया, टी दो बार है एक बार लिख दिया, आर एक बार है आर एक बार लिख दिया, तो क्या बन गया?